नमस्कार, आप देख रहे हैं माँ खबर और मैं हूँ कृतिका भटनागर। अगर आप हमारी वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि हमारे आगे आने वाली सभी वीडियोस को आप सबसे पहले देख सकें। यूपी में कोरोना महामारी के इलाज के संकट के बीच उत्तर प्रदेश के उन्नाव जिले में 14 सामुदायिक और प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र के प्रभारियों ने इस्तीफा दे दिया है। जी हाँ, बुधवार को 14 सामुदायिक और प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र के प्रभारियों ने अपर मुख्य चिकित्सा अधिकारी को इस्तीफा सौंपा। इस्तीफा देने वाले सामुदायिक और प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र के प्रभारी डॉक्टरों ने डीएम और सीएमओ पर उत्पीड़न और तानाशाही का आरोप लगाया है। डॉक्टरों का कहना है कि दवाइयों और संसाधनों की कमी के चलते तीमारदारों से रोज उन्हें 2-4 होना पड़ता है। उनके प्रयासों से ही कोरोना के मामलों में कमी आई है। बावजूद इसके डीएम रविंद्र कुमार और सीएमओ कैप्टन आशुतोष सिंह की उपेक्षा झेलनी पड़ रही है। डॉक्टरों का कहना है कि हम यह उत्पीड़न बर्दाश्त नहीं करेंगे। हम आपको बता दें कि उन्नाव में बीते 24 घंटों में 80 कोरोना पॉजिटिव मरीज पाए गए हैं। जिले में अब तक 11,000 संक्रमित मिल चुके हैं जबकि 160 मरीजों की मौत हो चुकी है। उन्नाव में कुल 1980 एक्टिव केस भी हैं। 14 केंद्रों के प्रभारियों के इस्तीफे के बाद उन्नाव में स्वास्थ्य व्यवस्था पर संकट गहरा गया है। उन्नाव में 35 प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र और 16 सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र हैं। यदि इनका इस्तीफा मंजूर होता है तो यहाँ की ग्रामीण चिकित्सा व्यवस्था चरमरा जाएगी। वहीं जिन डॉक्टरों ने इस्तीफा दिया है वे इस क्षेत्र में 150 साल से काम कर रहे हैं, बाकी ज़्यादातर स्टाफ नया है। उधर सीएमओ कैप्टन आशुतोष सिंह ने कहा कि डॉक्टरों की समस्या का समाधान होगा। वहीं सीएमओ ने अपने ऊपर लगाए गए आरोपों को भी नकार दिया है। हमें हमारे स्तर पर जिलाधिकारी स्तर से लगातार समीक्षा की जा रही है, हमारे जिला स्तरीय अधिकारियों के स्तर से लगातार समीक्षा की जा रही है और इस समय वर्तमान में मतलब तहसील स्तर पर एसडीएम और तहसीलदार स्तर पर हमारी समीक्षा कर दी गई है। अब इस समय हमारी टीमें सुबह 12 बजे फील्ड में रवाना होती हैं। जितने कोविड पॉजिटिव पेशेंट हैं उनको होम आइसोलेट करती है, दवा किट वितरण करती है, सैंपलिंग कराती है और उसके बाद 4 बजे आके 5 बजे आके एसडीएम साहब के यहाँ से फोन आ जाता है कि समीक्षा करनी है। कोई एमओआईसी तहसील से 20 किलोमीटर 30 किलोमीटर दूर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पर तैनात है और उसको बाध्य होना पड़ता है कि वो 30 किलोमीटर टीम का काम करा के ड्राइव करके तहसील पर जाके उप जिलाधिकारी महोदय को अपनी समीक्षा दे, अपने काम को प्रूव करे कि हमने काम किया है। सामूहिक इस्तीफा देने का वजह क्या है? वजह यही है कि हमें काम करने के बाद भी बार बार हमें ये सिद्ध कराया जा रहा है कि शायद हम लोग काम नहीं कर रहे और हमारे काम ना करने की वजह से कोविड संक्रमण जो है वो नियंत्रण के बहार हो रहा है। किस तरीके की दिक्कतें आ रही काम करने में? दिक्कतें यही आ रही हैं कि हमारी टीम, मैं जैसे बार बार कह रहा हूँ कि हमारी टीम बार बार जाके फील्ड में एक एक पेशेंट को एलोकेट करके होम आइसोलेट कर रही है, दवाई दे रही है, लेकिन उसके बाद भी अगर कोई पेशेंट एलोकेट नहीं हो पाता है क्योंकि उसने जांच कराते समय अपना एड्रेस गलत दिया है या फोन नंबर गलत दिया है और ट्रेस नहीं हो पा रहा है तो उसका दोष भी हमारे ऊपर दोषारोपण किया जाता है कि हम उसको ट्रेस नहीं कर पा रहे। संसाधनों की कमी थोड़ी है लेकिन उसमें हमारे जो है शासन स्तर से ही दिक्कत है क्योंकि ड्रग सप्लाई कॉर्पोरेशन की तरफ से पर्याप्त आपूर्ति नहीं हो रही। हम लोग बार बार इंडेंट कर रहे हैं लेकिन उतनी आपूर्ति जितनी मिलनी चाहिए वो हम लोगों को नहीं मिल रही है। क्या अधिकारियों की तरफ से कोई अभद्र भाषा या इस तरीके का कोई प्रयोग किया जाता है? डेफिनेटली हमारे मुख्य चिकित्सा अधिकारी और जिलाधिकारी स्तर से लगातार हम लोगों को जो है उत्पीड़नात्मक शब्दों का प्रयोग किया जा रहा है कि अगर कार्य नहीं होगा तो सबके खिलाफ FIR हो जाएगी, जेल करा दिया जाएगा, कार्रवाई कर दी जाएगी या आपके प्रभारी रहते हुए जितने कार्यकाल में जो भी वित्तीय लेन देन हुए उनकी जाँच करा दी जाएगी। इस तरीके के जो भाषा का प्रयोग किया जाता है वो डेफिनेटली हम लोगों को जो है हम लोगों का मॉरल डाउन करता है। डॉक्टर, पीएचसी में ऑक्सीजन की क्या उपलब्धता है? पीएचसी में ऑक्सीजन की उपलब्धता के बारे में आप जान रहे हैं। तो यह थी हमारी आज की वीडियो। उम्मीद करते हैं आपको पसंद आई होगी, तो इसे लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और बने रहिए माँ खबर के साथ।